हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा फिफ्थ ट्यूटोरियल है आयोनिक 3 का, जिसमें हम लोग अपने इसमें एक बटन ऐड करेंगे डिलीट का। तो देखिए, अपना जो हमारी ऐप है इसको हम जो स्लाइड करेंगे टू डू को राइट की तरफ, तो हम चाहते हैं यहाँ पर एक हमारा डिलीट का ऑप्शन आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्लाइडिंग कंपोनेंट ऐड करेंगे, फिर उसमें एक बटन को ऐड करना पड़ेगा जो डिलीट करेगा ऑप्शन। तो देखिए, सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने कोड में और यहाँ पर एक स्लाइडिंग कंपोनेंट को ऐड करते हैं। स्लाइडिंग कंपोनेंट को ऐड करने के लिए सबसे पहले लिखूंगा ION और आइटम को स्लाइड करना है हमें, तो आइटम लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे स्लाइडिंग और इसके अंदर आइटम को ऐड करेंगे जो कि हमारा टू डू फर्स्ट है। इसे कट करता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर मैं इसे पेश कर लेता हूँ इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड, ये हमने इसे ऐड कर दिया, लेकिन हमें स्लाइड कहाँ को करना है, राइट या लेफ्ट की तरफ, ये हमें बताना होगा इसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम आइटम ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो ION माइनस आइटम माइनस ऑप्शन, इसका यूज़ कर रहा हूँ मैं। और इसके अंदर हम इसे बताएंगे कहाँ को मूव करना है, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले साइड इज इक्वल टू डबल कोटेशन, राइट या लेफ्ट दोनों लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राइट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसे राइट को स्वाइप करूँ तो तब हमारे डिलीट का बटन आए। अगर आप चाहते हैं लेफ्ट की तरफ स्वाइप करके डिलीट का बटन आए, तो साइड की जगह यहाँ पर राइट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट लिख सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर हमें एक बटन ऐड करना होगा जो कि हमारा डिलीट का बटन होगा। तो देखिए, उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, बटन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं बटन इस तरीके से। अब बटन के अंदर सबसे पहले आयन बटन लिखेंगे यहाँ पर, माइनस बटन इस तरीके से लिखा हमने। अब देखिए, इस बटन का नेम होना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बटन हमें यूज़ करना है। तो देखिए, उसके लिए आप जा सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। देखिए, जो आपका आयोनिक कॉन्स होता है, ये आपकी लाइब्रेरी है, इसमें आपके बहुत सारे बटन्स होते हैं। इसमें मैंने एक सर्च किया बटन रिमूव, तो रिमूव में उसने चार ऑप्शन दिए हैं, क्लोज, रिमूव, रिमूव सर्कल और ट्रैश। और देखिए, इसके आपको क्या कहते हैं, ये किस तरह से शो होगा आपके ऐप में, ये भी दिखा रखा है, तीन तीन ऑप्शन दिखा रखे हैं। अगर आप रिमूव हटा देते हैं यहाँ पर, तो आपको बहुत सारे आइकन्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ से हटा देते हैं तो देखिए, ऐड के, ऐड सर्कल, अलार्म्स, तो ये सब आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इसे हम यूज़ करेंगे, हमें किसे यूज़ करना है, ट्रैश को, ताकि हम उसे डिलीट का ऑप्शन ला सकें। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, इसके अंदर हम जो बटन होगा हमारा, इसके अंदर आइकन का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो आइकन्स की लाइब्रेरी है, इसलिए आइकन्स। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ION और यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके से एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो इसे यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ION माइनस आइकन इस तरीके से। और इस आइकन का नेम होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखते हैं नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन, हमने ट्रैश देखा था। अगर आप रिमूव या डिलीट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ट्रैश यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। और यहाँ पर इसे कर देते हैं हम क्लोज, आइकन को क्लोज कर दिया है। अब देखिए, ये किस तरह से शो होगा, रेड, ब्लू, ग्रीन। अगर आप इसे ऐसे ही रहने देंगे तो ब्लू शो होगा बाय डिफॉल्ट, वो देखने के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हैं, आयोनिक कंपोनेंट। ये दोनों लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए, बटन के डिस्क्रिप्शन है, डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट आपका ब्लू रहेगा, इसमें आपको कोई भी क्या कहते हैं पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ग्रीन चाहते हैं तो सेकेंडरी आपको पास करना पड़ेगा, और रेड चाहते हैं तो डेंजर, और डार्क चाहते हैं तो डार्क। तो अब देखिए, यही हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर बटन पे, और उसके बगल पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कलर देंगे। तो यहाँ पर देता हूँ मैं कलर इज इक्वल टू डबल कोटेशन, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं डेंजर। अगर यहाँ पर आप सेकेंडरी लिखेंगे या डार्क लिखेंगे तो ब्लैक या फिर ग्रीन में आएगा इस तरीके से। और इसे यहाँ पर हम लोग सेव कर लेते हैं और आउटपुट चेक करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा आउटपुट आने में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे तीन आउटपुट आ चुके हैं। अगर मैं टू डू को लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ स्वाइप करता हूँ, तो हमारे डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर इसी तरह से देखिए, इसमें भी अगर मूव करूँगा तो इसमें भी हमारा ऑप्शन आ रहा है, और इसमें भी, तीनों में आ रहा है। एक में कोड लिखा और तीनों में हमारा आउटपुट आ रहा है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, कौन सा फ्रेमवर्क आपको सीखना है। हम उस पर आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।